रहेगा वृंदा से यूज करें क्योंकि कभी हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे एक रैली कैसे प्रेसिंग की जानी चाहिए, कैसे प्रेस करें। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे प्लाई का सरफेस है, तो सबसे पहले क्या करें, प्लाई को अच्छी तरह से धूल मिट्टी कचड़े जो भी हो निकाल दें और ये देख लें कि प्लाई हमारा ये लेवल है कि नहीं। एक लेवल अगर लेवल नहीं है तो इसे बिल्कुल लेवल करके अच्छे से, चाहे पेपर से हो चाहे अरंदा से हो, बेटर रहेगा अरंदा से यूज करें क्योंकि कभी कभी प्लाई में बीच बीच में उठे हुए होते हैं तो हम उसको अनदेखा कर देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी आप अनदेखा करेंगे उसके बाद जब प्रेस करेंगे तो पहली बात तो बबल्स आएंगे, अगर बाय द वे चिपक भी गई तो जब भी लाइट ऑन करेंगे रात में तो ऐसे ऐसे लहर दिखेगा थोड़ा सा ऐसे ऐसे, तो वो काम ना करें। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस ढंग से चिपकाया गया है, ठीक है। जब भी ऐसा बॉर्डर अगर हो कर चिपकाने का तो आप ऐसा कीले की मदद से भी एक पट्टी में कीले मार करके आप इसको कच्चा ऐसा फंसा सकते हैं ताकि बॉर्डर का जो भी होता है प्रेस हो जाए। चाहे तो बॉर्डर पे आप ऐसा ग्रू दे करके एक कीले की मदद से भी और एक लकड़ी की सहायता से इसको प्रेस कर सकते हैं, ये भी एक बेटर आइडिया है। सो आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आएगी कि गली कैसे प्रेस करते हैं। और प्रेस करने से पहले जैसे हमारी एक रैली है सीट, इसको अच्छी तरह से धूल मिट्टी कचड़े सब साफ कर लें, अच्छी से सफाई करने के बाद ही इसे प्रेस करें तो बेटर रहेगा। और जब भी ग्लू लगाएं तो किसी एक ही सीट में लगाएं, या तो प्लाई में या तो एक्रेलिक में। और जब ग्लू लगाने के कम से कम 2 मिनट बाद जब देख लें हल्की सी चिपचिपा हो गई हो तभी उसे प्रेस करें। आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही हमारे चैनल पर आप बने रहिए।